जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले संविदा शिक्षक वर्ग एक के सिलेबस के बारे में। उसकी भर्ती चालू हो गई है, उसके फॉर्म डलने लग गए हैं और उसकी लास्ट डेट जो है वो 25/9/2018 है। तो आप फॉर्म भर दीजिएगा और जो तैयारी आपकी जो चल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन अब विस्तृत जो सिलेबस व्यापम ने जारी किया है उसका सिलेबस का अध्ययन करके ही आप अपनी तैयारी करें। तो उस सिलेबस पर ही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ आपका दोस्त गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी विद मस्ती यूट्यूब चैनल में। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के 2 सेकंड बाद आपको एक बेल आइकन का नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि उससे होता यह है कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वो जानकारी जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएंगे। शुरू करते हैं परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में ये 2 पार्ट में आएगा, एक आ और एक बा। इसमें आपका जो भाग आ रहेगा उसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। सामान्य हिंदी आपकी 10 10 प्रश्न पूछेंगे 10 नंबर के, अंग्रेजी 8 नंबर के 8 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान एवं समसांख्यिकी मतलब सामान्य जीके एंड करंट अफेयर 10 नंबर का, तार्किक एवं आंकिक योग्यता मतलब मैथ्स टाइप का जो है ना, ये मैथ्स का नहीं कह सकते इसको, इसको हम कह सकते हैं जैसे कि आपके तार्किक, अपनी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो, तो वो उस हिसाब से 7 अंक का आएगा। और पेडागोजी ये 15 नंबर का आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो स्कूल में जो एक्टिविटी होती है उससे संबंधित है, कि बच्चे को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा है, क्या एक्टिविटी है, कैसी क्या करना चाहिए, वो सारे, तो ये चीज़ होती है। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे अच्छे से। तो एक पार्ट होगा ये 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और पार्ट ब होगा जिसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा, और उसके क्वेश्चन रहेंगे 100। उसमें आपकी लैंग्वेज है जो 16 सब्जेक्ट है, उनमें से आपको जो चूज़ करना रहेगा वो रहेगा। इसमें 16 सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र। ये 16 जो सब्जेक्ट है इनमें से आप एक कोई भी चूज़ करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, इनमें से एक आप चूज़ करोगे और 100 क्वेश्चन उसके रहेंगे, प्लस जो भाग एक था, आ था, जिसको भी बोल सकते हैं, 50 क्वेश्चन उसके रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये तो हो गए पेपर की बात, अब बात करते हैं हम सिलेबस की, क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की आ की बात करते हैं। तो इसमें सामान्य हिंदी रहेगी, इसमें सामान्य हिंदी में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये हो गया हिंदी का। सामान्य अंग्रेजी में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें इसमें, एंटोनीज, सिनोनीज में वोकेबुलरी, अंसल पैसेज और ग्रामर्स, एडियोम एंड फेरसेक, ये सारी चीज़ें इसमें पूछेंगे। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटना की। तो इसमें पूछेंगे वो समसामयिक मामले, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या करंट अफेयर की जो बात है वो पूरी करंट अफेयर की घटना इसमें पूछेंगे। सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि, और भारतीय राजनीति, प्रशासन, मतलब सामान्य ज्ञान में सारी चीज़ें आ जाती है, परिस्थिति, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछेंगे। अब बात करते हैं हम पार्ट 4 की, तार्किक व आंकिक योग्यता। तो इसमें क्या रहेगा, रीजनिंग एंड नॉर्मलाइज न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी। तार्किक योग्यता सामान्य मानसिक व विश्लेषण योग्यता में शब्दावली, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध, पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थिति, ये रीजनिंग पैटर्न में रहेगा। और आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आया वेन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या, पैटर्न श्रृंखला, और ये मैथ्स नॉर्मल 10th तक का जो मैथ्स रहता है वो अंक, गणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ और विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण और व्याख्या, ये चीज रहेगी। बात करें हम पार्ट 5 की, पेडागोजी की। तो इसमें
आएगा सबसे पहले तो पाठ्य पाठ्य चर्चा, अर्थ सिद्धांत, पाठ्य चर्चा संगठन के प्रकार और दृष्टिकोण। उसके बाद योजना के अनुरूप आएगा अनुदेश योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, ये इसके तहत आएगी। आप स्कूल में वार्षिक क्या योजना चल रही है, आपकी पाठ की क्या योजना चल रही है, अनुदेशन की जो आपकी योजना है उस पर यहाँ पे चर्चा इस उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुदेशन सामग्री और संसाधन, पाठ्यक्रम अभ्य पुस्तिकाएं, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव सहायक और सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय आदि के बारे में क्वेश्चन। और मूल्यवान प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषता, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षणिक उपलब्धि, परीक्षण व विश्लेषण की व्याख्या, समावेक्षित शिक्षा, सामाजिक शिक्षा के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे, विविधता को समझाना, अवधारणा के प्रकार, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यंगता, दिव्यंगता के वर्गीकरण और इसके शैक्षणिक प्रभाव, संवेदन अक्षमता, श्रवण अक्षमता और बधिरता, संज्ञात्मक और दिव्यांगताएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, शारीरिक दिव्यांगताएं जो भी आती है वो इससे रिलेटेड, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं को संबंधित मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान और शिक्षा और तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार और उसकी भाषा, उसके कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या आती है वो सारी चीज़ें, शैक्षणिक मनोविज्ञान, बच्चों को सिखाने की रणनीतियाँ और सिखाने को प्रभावित करने वाले कारक एवं अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये चीज़ें। ये पेडोलॉजी की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को रोक के और यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा डिक्लेयर करूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे हो गया। ये हम पार्ट ए की जो हमारी थी वो बात हो गई, अब पार्ट बी की हम बात करेंगे, जिसमें से जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके उसके सिलेबस की। तो दोस्तों उसका सिलेबस जो है मैं पूरा आपको यहाँ पे विस्तृत बता नहीं पाऊँगा, तो मैं पूरे वीडियो को पूरे सिलेबस को वीडियो में एक के बाद एक रोल करूँगा, जिससे कि पूरा सिलेबस डिटेल वाइज सब्जेक्ट वाइज आएगा। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको चाहिए तो आप वीडियो रोकिएगा और वहाँ से सिलेबस को देख के आप उसको समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, हिंदी भाषा में, ये हिंदी का है, तो ये हिंदी का पूरा सिलेबस यहाँ पे पूरा डिटेल वाइज, जो हिंदी के जो टीचर रहेंगे, जो सब्जेक्ट जिनका हिंदी है उनके बारे में ये पूरा डिटेल से यहाँ से पूछा जाएगा। तो निबंध, पत्र लेखन, हिंदी के प्रमुख लेखक, उनकी कृतियाँ, ये सारी चीज़ें, हिंदी साहित्य से पूरे रिलेटेड क्वेश्चन, काव्यांग विवेचन और छंद अलंकार, ये सारी चीज़ें हिंदी। सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश का पार्ट है, पार्ट बी में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, ड्रामा, पोएट्री, प्रोज और शॉर्ट स्टोरी वगैरह, ये सारी चीज़ें ही इसमें इंग्लिश में पूछेंगे। बात आती है संस्कृत की, तो संस्कृत में भी वही व्याकरण, समास, संधि, प्रत्यय और वेदांग, वेद, पुराण, ये संस्कृत का पूरा जो संस्कृत साहित्य का इतिहास वगैरह, छंद और संस्कृत गिनती, अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें संस्कृत का पाठ्यक्रम है। बात करते हैं उर्दू का, तो उर्दू में सवाने, निगारी और नसर, ये उर्दू का पूरा पाठ्यक्रम है, तो आप यहाँ से उर्दू का पूरा पाठ्यक्रम निकाल सकते हैं या देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैथ्स की बात आती है तो यहाँ से मैथ्स में संख्याएँ, बीजगणित, रेखीय, असमिकाएँ, संबंध एवं फलन, उसके बाद हम आगे बात करें तो सारणिक एवं अवयव, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, अदिश व सदिश राशि, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, गणितीय विवेचना, अनुक्रमण श्रेणी, मूल संख्याएं, सिद्धांत। उसके अलावा आगे बात करें तो अवकलन एवं समाकलन, कैलकुलेशन, उच्चकलन के बाद अवकलन समीकरण आती है, उसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो गणितीय आगमन एवं द्विपद प्रमेय, लीनियर प्रोग्रामिंग, बीजगणित, त्रिकोणमिति, उसके आगे अगर हम बढ़े तो सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति और स्थैतिकी, उसके आगे है गणितीय विज्ञान,
वास्तविक विश्लेषण, समीकरण विश्लेषण और दूरी की समष्टि, उसके बाद अमूर्त बीजगणित, रिंग वलय वगैरह जो इसमें आते हैं। मैथमेटिक्स से जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश में पूरा सिलेबस कवर किया गया है, तो आप इंग्लिश का सिलेबस यहाँ से एज इट इज निकाल सकते हैं, जैसे कि हिंदी वाले निकाल सकते हैं। पूरे पूरे पार्ट है, मैं एक एक टॉपिक चला रहा हूँ यहाँ पे ताकि पूरा टॉपिक आप कवर कर सको। यहाँ से 9 से 14 तक हो गया, 14 से 17 तक ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से ये आगे वाला पार्ट हो गया 18 तक, 19 20 यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, 21 एलजेब्रा, 22 यहाँ से 22 कवर कर सकते हैं, 25 तक, 24 तक, 25 से 26 तक यहाँ से कवर कर सकते हैं, और ये आपका 27 28, ये पूरा आपका मैथमेटिक्स इंग्लिश में। अब छठा आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भौतिक विश्व और मापन, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, कण निकाय की गति एवं दृढ़ पिंड, उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के गुणधर्म, ऊष्मा गति की, दोलन एवं तरंग, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत, ये आ गया। धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यक्ष धारा, प्रकाशिकी, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आधुनिकी भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये हो गया फिजिक्स का। सेम एज जो फिजिक्स का इंग्लिश में सिलेबस है, यहाँ से आप 3 टॉपिक कवर कर सकते हैं, 2 टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं। टॉपिक 10, 11 12, 13 एंड 14 यहाँ से, 15 16 यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सातवें विषय की, तो सातवें विषय में सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। जीव जगत की विविधताएं, जीवों को संरचनात्मक संगठन, कोशिका संरचना और कार्य, पादप कार्य की, ये यहाँ से कवर कर सकते हैं आप। प्रकाश संश्लेषण, मानव कार्य की, ये मानव का कार्य की, पाचन तंत्र, श्वसन, श्वास और श्वसन, शारीरिक तरल पदार्थ, परिसंचरण, उत्सर्जित पदार्थ और उनके उन्मूलन, यहाँ से इतना कवर कर सकते हैं। प्रचलन एवं गति, तांत्रिक नियंत्रण और समन्वय, रासायनिक समन्वय और विनिमय, यहाँ से कवर कर सकते हैं। प्रजनन जीवों में जनन, यहाँ से मानव जनन, युग्मक जनन, अनुवांशिकी और विकास, ये सारी चीज़ें यहाँ से ये टॉपिक है। अनुवांशिक का आणविक आधार कैसा होता है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, उसका विकास, जैव विज्ञान, मानव कल्याण, खाद्य उत्पादन में सुधार, मानव कल्याण, सूक्ष्म जीव, यहाँ से कवर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, उसके अनुप्रयोग, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, आगे आते हैं तो हम जैव विविधता और उसके संरक्षण। सेम एज बायोलॉजी का इंग्लिश सिलेबस दे रखा है। 4th पॉइंट कवर हो गया आपका, यहाँ से 5th, यहाँ से 6th को ऐसे कवर कर सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे 7th की, और यहाँ पर आ जाएगा 8th, 9th, 9 10 यहाँ से कवर हो जा रहे हैं, और बचा है यहाँ पे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की या रसायन शास्त्र की, तो रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं यहाँ पे है, ये 2 टॉपिक आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, तीसरा हम यहाँ से कवर कर सकते हैं,
तीसरा और चौथा, पांचवा और सातवा तक यहाँ से कवर कर सकते हैं आप। ये सातवा, आठवा और नौवा, लगभग नौवा यहाँ से कवर कर सकते हैं। दसवा ऊष्मागतिकी, 11वां तत्वों का वर्गीकरण गुणों का आवर्तीता यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन एस ब्लॉक के तत्व यहाँ से हो गया। ये 14, ये 15 यहाँ कवर कर सकते हैं। 16, 17 और यहाँ से 18 हाइड्रोकार्बन, 19 में पर्यावरण रसायन, 20, 21 यहाँ से 21, 24 और ये 25 जैव रसायन यहाँ से हो गया। एंजाइम न्यूक्लियर्स एसिड दैनिक जीवन में रसायन, एज इट इज केमिस्ट्री इंग्लिश में है। स्ट्रक्चर यहाँ से 8th कवर कर सकते हैं, 10th और 11th, 12th यहाँ पर, 13, 14 यहाँ पर, 17, 18 यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये यहाँ पे 19, 22 यहाँ से 23 से 25 तक आप कवर कर सकते हैं। ये यहाँ से 26। अब बात करते हैं होम साइंस की, ग्रह विज्ञान की। ग्रह विज्ञान में ग्रह प्रबंधन यहाँ तक हो गया। यहाँ से ये वाले टॉपिक भोजन पदार्थ संरक्षण, खाद्य सामग्री से शारीरिक विज्ञान यहाँ हो गया, यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रजनन संस्थान, नाड़ी, जीवाणु तक ये हो गया। होम साइंस का सेम एज इट इज इंग्लिश में, होम मैनेजमेंट वगैरह, यहाँ से फूड मैनेजमेंट, फूड प्लानिंग, क्लॉथ साइंस से यहाँ तक यहाँ हो गया। अब बात करते हैं वाणिज्य की। तो व्यवसाय का परिसंचलन 10वां सब्जेक्ट है, और अवधारणा विशेषताएं व्यावसायिक संगठन के रूप में, 6 तक व्यवसाय वित्त, 6 यहाँ से कवर हो गया। यहाँ से 7 से 12th तक यहाँ से कवर कर सकते हैं आप, 11th कंफर्म, यहाँ 16 तक। ये लेखा शास्त्र यहाँ से बनता है, और उसके आगे बनता है कोष प्रवाह वितरण विश्लेषण एवं रोपण प्रवाह लागत लेखांकन, यहाँ तक सेम एज इज कॉमर्स आपका हो गया इंग्लिश में। 9th तक, यहाँ से 14 तक, ये 15, 15B यहाँ से 11 तक ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। ये पूरा सब्जेक्ट यहाँ से हिस्ट्री का चालू हो जाएगा। इतिहास से आशय, इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है, या मध्यकालीन भारतीय इतिहास, पूरा मैं डिटेल आपको नहीं बता सकता फ्रेंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। हिस्ट्री का इंग्लिश में पूरा ये है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। ये इसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करेंगे यहाँ पे, तो भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें इसमें पूछे जाएगी। जल मंडल, जैव मंडल, आर्थिक भूगोल, खनिज, ईंधन, शक्ति के संसाधन और मानव भूगोल, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन यहाँ से पूछेगा। इसके बाद मानवीय क्रियाकलाप, औद्योगिक विकास, मध्य प्रदेश का भूगोल, प्राकृतिक आपदाएं, विपत्तियाँ, प्रायोगिक भूगोल, मानचित्र कलाप, मापन के प्रकार, ये पूरा यहाँ पे हो गया। जो ग्रुप एज इट इज इंग्लिश में है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं पूरा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ पर, और वुमेन एक्टिविटीज, फार्मेसी, प्राइमरी अचीव एक्टिविटीज, सेकंड एक्टिविटीज यहाँ से पूरा। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, और ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की या राजनीतिक विज्ञान की। राजनीतिक विज्ञान शक्ति एवं अधिकार, नागरिक अधिकार, राज्य शासन, राज्यपाल, राजनीतिक चिंतन स्वरूप, भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासक
यहाँ पे आ जाए पॉलिटी एच डी इंग्लिश में, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से 10, 13, फिर 14, अब बात करते हैं 14 में अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र उसकी परिभाषा है उपभोग उपयोगिता है, यहाँ से कवर कर सकते हैं आप। आर्थिक समृद्धि यहाँ पे पुनर्गठन औद्योगिक, उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग की, यहाँ से बैंकिंग और व्यापार। सांख्यिकी इकोनॉमी एज इट इज इंग्लिश में, इंडियन फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम एंड अकाउंट्स, बैंकिंग ट्रेड एंड स्टेटिस्टिक्स, ये पूरा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि की, तो ये कृषि विज्ञान हो गया। कृषि उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व, और मृदा एवं जल प्रबंधन, पादप अकारिकीय, प्रमुख फसलों को हानिकारक पहुंचाने वाले खरपतवार, कीट रोग, मृदा सर्वेक्षण, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर में आती है। कृषि कंप्यूटर 17 पॉइंट है यहाँ पे, ये एज इट इज इंग्लिश में आप निकाल सकते हैं। 9 तक, ये 10 तक यहाँ से कवर कर सकते हैं, ये 13, और यहाँ से आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। लास्ट सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाज की संरचना है, और यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, जनजाति समाज का समाजशास्त्र यहाँ से, और उसके बाद इसमें सामाजिक अनुसंधान विधियाँ यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं, और ये आपका पूरा हो गया। इंग्लिश में सेम सोशोलॉजी है, यहाँ से आप इतना निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ हो गया, फिफ्थ इसका यहाँ रूरल एंड अर्बन सोशोलॉजी, या रूरल एंड अर्बन ग्रामीण और शहरी सोशोलॉजी, ए ट्रेड इकोनॉमी एंड यहाँ पर ये कवर कर सकते हैं आप, साइंस एंड सर्च। तो दोस्तों ये था हमारा संविदा वर्ग एक का पूरा सिलेबस, जिसमें आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट है और कितने पार्ट में पेपर आएगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह रही हो तो आप वीडियो में कमेंट्स करें, मैं आपका जवाब जो है जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, और एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को सिलेबस समझ में नहीं आता है, या जिन लोगों को ये पूरी रूल बुक पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया, वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।